एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो लोग अपने बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कई दिन से बच्चे बड़े कंफ्यूज थे, खासकर बीएड वाले कैंडिडेट, कि हम लोग एग्जाम देने जाए नहीं देने जाए, या जो बीटीसी बीएड वाले हैं उनके सभी के माइंड के अंदर ये कंफ्यूजन थी कि जो आपका बीपीएससी का एग्जाम है इसके ऊपर स्टे लगेगा या डेट आगे बढ़ेगी, जो आपका 24 तारीख से शुरू होने वाला है। उसी के संदर्भ में जो आपके बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, तो उनकी तरफ से ट्वीट आया, हालांकि कल भी ट्वीट आया था और ये ट्वीट मेरी समझ से तो बाहर है जो आज आपका आया। इस ट्वीट के अंदर देखिए आप लिखा हुआ है, होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई करने की जो बात हो रही है, खासकर आपके बीएड के जो कैंडिडेट है और जो आपका एग्जाम है, तो दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आता दो अलग अलग चीज़ें कैसी है। अगर यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के अंदर आपका क्या चीज़ लिखी हुई है वो बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा है, व्हाइल द फॉर्मर इज सो फार अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द सेम कांट बी सेड फॉर द लेटर। कि जो हमारी जो प्रक्रिया चल रही है वो इससे यहाँ पर अनअफेक्टेड है, ठीक है, और बाकी फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। अब फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में इस चीज़ का खुद बच्चा देखेगा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग एजम्पशन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। तो जो बच्चे हैं कैंडिडेट है वो खुद रियलिस्टिक होकर एजम्पशन लगाए कि इस हालत में बच्चा यहाँ पर है, चाहे बीटीसी वाला हो चाहे खासकर बीएड वाला आपका कैंडिडेट है, कि कुछ रियलिस्टिक होकर एजम्पशन लगा सकता है। अरे आप लोगों को लगाना चाहिए था भाई, इसके अंदर क्लियर कर देना चाहिए, या तो हम ले रहे हैं या फिर हम लोग नहीं ले रहे हैं, बात खत्म। इतना सा ट्वीट आपको यहाँ पर करना था, तो इस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया। तो मैं आपसे यही कहूँगा, जो लोग भी अपना तैयारी कर रहे हैं, बीटीसी हो बीएड हो कोई भी हो, एग्जाम देने जाइए। जब बोर्ड ने यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर नहीं किया, बट ऐसा क्या पता ऐसा हो जाए काउंसलिंग के टाइम पर, ऐसा कह सकते हैं कि भाई हम लोग बीएड वाले कैंडिडेट को नहीं लेंगे, तो वहाँ पर जाकर बच्चों को ज़्यादा दुख होगा कि पेपर पास कर लिया, काउंसलिंग के चला गया, अब यहाँ पर मुझको मना कर दिया। तो इस चीज़ को यहाँ पर अभी क्लियर कर देना चाहिए था, एक दो दिन का और टाइम लेकर या कुछ मीटिंग और कंडक्ट कराकर आपस में डिस्कशन करके एक फैसला ले लिया जाता, वरना जो इस प्रकार की अराजकता है वो आगे देखने को मिल सकती है एग्जाम होने के बाद, ठीक है। देखिए कल भी इनका एक ट्वीट आया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो चेयरमैन साहब का, इन्होंने लिखा है, एज ऑफ नाउ देयर इज नाइदर एनी स्टे ऑन टीआरई नोर एनी प्लान टू स्टे इट, कि हमारा कोई प्लान नहीं है इसके ऊपर स्टे करने का। तो जो आपका एग्जाम है, एग्जाम आपका 24 तारीख से आपके शुरू है, जो जैसे इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ था, आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा, तो आप लोग अपने एग्जाम को देने जाइए, क्योंकि जब यहाँ पर ही चीज़ क्लियर नहीं है तो उसमें आगे हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप लोगों के लिए जो अपने बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कल से यानी 15 अगस्त से मैराथन क्लास शुरू हो रही है, जिसमें 15 अगस्त को जो मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें मैं और मेरे जितने भी